हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा कंटेंट है गाइस, ये नहीं, किसी भी माइक को, चाहे वो क्रिस्टल हो चाहे वो डिजिटल हो, माइक को कैसे सेफ तरीके से रिप्लेस करते हैं और कैसे इजी तरीका और कैसे सेफ तरीका और कैसे फास्ट तरीका, तो हम इस वीडियो में मेंशन करने वाले हैं गाइस। तो वीडियो को लास्ट दिन तक आप जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो कैसे हम क्रिस्टल डिजिटल माइक को हम रिप्लेस करते हैं बहुत ईजी तरीके से, सेफ तरीका क्या हो सकता है, वो मैं सारा यहाँ पे आपको वीडियो में मेंशन करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट दिन तक जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो में नए हैं, हमारे चैनल में नए हैं गाइस, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे गाइस। तो चलिए वीडियो को फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, माइक को हम निकालते हैं आपके सामने, हम लाइव निकालेंगे और आपके सामने लाइव हम लगाएंगे। बस हमारा आज का कंटेंट यही है कि माइक को, क्रिस्टल डिजिटल माइक को कैसे निकालें और कैसे लगाएं सेफ तरीका से। चलिए, अब जब हम कभी लगाते हैं या फिर हम कभी चार्जिंग को चेंज करते हैं तो भी हमारा माइक खराब हो जाता है, तो आप सिल्वर टेप का यूज करें। अब देखिए आपको करना क्या है गाइस, कि जब आप कभी नोजल को देते हैं तो आपको नोजल को सीधा नहीं देना है गाइस, आपको क्या करना है, नोजल को क्रॉस देना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नोजल को आपको कभी भी सीधा माइक के ऊपर नहीं देना है, नोजल को आपको क्रॉस हिट देना है गाइस। और उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 300 होना चाहिए और उसका एयर होना चाहिए आपको 30। तो चलिए कोई भी कनेक्टर हो गाइस, आपको यहाँ पे जो करना है, आपकी कभी भी माइक ख़राब नहीं होगी गाइस, जैसा कि मैं आपको बता दूं। और चलिए फटाक से भी निकल जाएगा आप। ये देख सकते हैं गाइस, सिंपल सा तरीका है, आपको क्रॉस हिट देना है गाइस और बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा। तो ये हमारी माइक निकल चुकी है। अब इसी माइक को हम कैसे लगाएंगे गाइस, तो वो हम सारा यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। चलिए अब आपको क्या करना है, इसके नेक्स्ट प्रोसेस क्या है गाइस, आपको यहाँ पे करना है, आपको डिसोल्डर वायर लेना है गाइस। डिसोल्डर वायर लेकर के आपको इसके जो टिप्स है उसको कर लेना है क्लीन। तो चलिए मैं डिसोल्डर वायर ले लेता हूँ और कर देता हूँ फटाक से क्लीन गाइस यहाँ पे। चलिए अब इसको क्या, देखिए मैंने आपको कभी भी कोई भी फ्लक्स यूज नहीं करना है गाइस, फ्लक्स यूज करने से हमारा माइक खराब हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको बता दूँ अब फ्लक्स यूज करने से। चलिए तो जो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ आपको भी सेम प्रोसेस करना है। ये देखिए मैं यहाँ पे डिसोल्डर लेकर के इसको कर लूँगा क्लीन, इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद आपको थिनर से इसको वॉश कर लेना है, तो मैं थिनर से इसको कर लेता हूँ वॉश। और इसको फिर कोई भी, चाहे किसी भी माइक को रिप्लेस कर रहे हैं, चाहे वो डिजिटल माइक हो चाहे वो क्रिस्टल माइक हो, अब आपको स्टेप क्या करना है गाइस, जैसा कि आपको माइक दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अब इस माइक में आपको क्या करना है, आपको 138 PPT यूज़ करना है गाइस। मैं आपको यहाँ पे अगर दिख जाए तो मैं दिखाने की कोशिश कर देता हूँ। ये देखिए 138 PPT आपको यूज़ करना है, 138 PPT आपके इन चारों बॉलों पे आपको लगा देना है, इनके चारों बॉलों पे आपको 138 PPT लगा देना है। देखिए जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ वैसे आपको भी कर लेना है, इसके चारों टिप्स पे आपको 130 PPT लगा देना है। ये देख सकते हैं गाइस, इन चारों पे आपको लगा देना है। लगाने के बाद आपको हल्का सा आयरन से सोल्ड कर देना है, आयरन आपका ज़्यादा हिट नहीं होना चाहिए। ये देखिए 1, 2, 3 और 4 मैंने चारों सोल्ड कर दिया। अब इसको हम कर लेंगे क्लीन, देखिए कितना फास्ट, आपको ऐसे ही फास्ट तरीके से करना है गाइस। अब इसको हल्का सा कर देंगे हम वॉश, थिनर आपको अंदर नहीं जाना चाहिए। अब देख सकते हैं ये हमारा, देखिए गाइस ये अब ये माइक हमारा सोल्ड हो चुका है। तो कोई भी चाहे वो डिजिटल माइक होगा, कोई भी चाहे हमारा डिजिटल माइक होगा क्रिस्टल माइक होगा, आपको इसी तरीके से ये मेथड आप यूज करेंगे तो आपको 110% आपकी कभी भी माइक खराब नहीं होगी गाइस। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे सोल्ड कर दिया। अब इस माइक को हम करेंगे फिक्स, बोर्ड में करेंगे फिक्स यहाँ पे, चाहे वो क्रिस्टल माइक हो चाहे वो डिजिटल माइक हो चाहे वो कोई सी भी माइक हो, आप बहुत ईजी तरीके से लगा सकते हैं। कोई भी फ्लक्स का यूज नहीं करना है गाइस आपको यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, सिंपल और सिंपल आपको इस पर लगा देना है गाइस, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ। अब सिंपल और सिंपल आपको लगा देना है और क्रॉस हिट देना है गाइस। क्रॉस हिट जैसे आप देंगे हल्का सा, तो ये आपका सेट हो जाएगा। ये जो तरीका है गाइस, ये बहुत जेन्युइन और बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो चलिए फटाक से मैं इसको देता हूँ हिट और दूंगा क्रॉस हिट गाइस। मैं यहाँ पे ऊपर हिट ना दे करके इसको मैं दूंगा क्रॉस हिट। तो चलिए देखेंगे, अभी मैं माइक्रोस्कोप में वॉच कर रहा हूँ, जैसे ही हल्का सा हिट होगा, जैसे ही मेल्ट होगा, आपका फटाक से यहाँ पे लग जाएगा गाइस। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम समय में बहुत इजी तरीका और बहुत ही सटीक तरीका है गाइस ये।
ये आपका बहुत जल्दी लग जाएगा। देखिए हिल गई माइक हमारी लग चुकी है गाइस। आपने देखा या नहीं देखा गाइस, तो यहाँ पे हमारी माइक लग चुकी है। अगर इसको हल्का सा पुश दे करके भी देखेंगे तो भी ये वापस हमारी आ जाएगी गाइस। तो देख सकते हैं ये हमारी माइक हिली थोड़ी सी और ये माइक हमने लग गई गाइस। तो ये जो तरीका है गाइस जो हमने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है, ये देख सकते हैं यहाँ पे माइक हमारी बहुत ही इजी तरीके से लग चुका है। आप एनी चाहे वो आपका क्रिस्टल माइक हो, चाहे वो आपका डिजिटल माइक हो, चाहे वो कोई सी भी माइक हो, आपको फ्लक्स यूज नहीं करना है, नहीं तो इसके फ्लक्स ऊपर चला जाएगा गाइस। जैसा कि मैं यहाँ पे बता दूँ, आप यहाँ पे इसको कवर कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए जब हमारा ये नहीं जाएगा, जलेगा नहीं, तो हमारा कभी भी खराब नहीं होगा और वन टाइम में आपका लग जाएगा। कमाल है थोड़ी सी ट्रिक का। और ये देख सकते हैं गाइस एनी आप यहाँ पे किसी भी एनी क्रिस्टल या डिजिटल माइक को आप रिप्लेस कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका, बहुत ही सेफ तरीका और बहुत ही फास्ट तरीका। अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लगा हो, तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।